Hello everyone, this is Dr. Manisha and I'm from Kanpur. I'm a dermatologist working for type 1, type 2 as well and endocrine. बच्चों और बड़ों में शुगर होती है. बच्चों की शुगर और बड़ों की शुगर में फ़र्क ये है कि बच्चों को जो शुगर होती है उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं वो एकदम ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग से उन्हें इंसुलिन देनी पड़ती है. अब इंसुलिन किस तरीके से देते हैं, या तो मैक्सिमम इसमें 4 प्रिक्स देते हैं. एक प्रिक जो 24 घंटे काम करता है, बाकी 3 ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. इसमें एडवांसमेंट ये हुए हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड इंसुलिन पंप. पंप इज लाइक दिस, इतना ही बड़ा होता है, इसे थोड़ा सा साइज बड़ा होता है और जो बच्चों के अटैच होता है थ्रू अ वेरी टाइनी ट्यूब, जिसका काम होता है वो 24 घंटे जैसे हमारा पैंक्रियास काम करता है वो वैसे ही काम करता है और धीरे धीरे इंसुलिन देता रहता है. एंड द पंप टॉक्स विद अ सेंसर. वॉट इज अ सेंसर? सेंसर इज अ डिवाइस विच इज सपोज टू मॉनिटर द ब्लड शुगर इन एवरी 5 मिनट्स. तो जब पंप और सेंसर आपस में बात करते हैं तो शुगर मैनेज करना बहुत आसान होता है. बच्चों की डायबिटीज़ में बहुत सारे 5 साल 6 साल 7 साल और बच्चे बड़े भी हो गए हैं, डायबिटीज़ एक बार होने का मतलब ये नहीं होता ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. सो कीप मोटिवेटिंग योर पेशेंट्स, टेल देम टू कीप मॉनिटरिंग. स्पेशली बच्चे हैं तो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करिए. कीप स्माइलिंग देम, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड. बाय बाय.